दोस्तों, अगर आपको भी बार बार ज़ुकाम होता है या बार बार आपको नज़ला होता है, इस वजह से आपको बहुत परेशानी होती है, या फिर जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है, मौसम में तब्दीली आती है, थोड़ा मौसम ठंडा होता है तो आपको ज़ुकाम या सर्दी हो जाती है, दोस्तों सर्दी ज़ुकाम को दूर करने के लिए एक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है जिसका नाम है एलियम सिपा। दोस्तों, एलियम सिपा ज़ुकाम और सर्दी को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और बहुत अच्छी दवा है। दोस्तों, अगर आपको बार बार नज़ला या ज़ुकाम हो जाता है, इसकी वजह से आपको छींक आती है, बार बार छींकें आती है और नाक से पतला पानी बहता है और आँखों में भी जलन देती है दोस्तों, और इसी के साथ आपको हल्की हल्की खांसी आती है, या खांसी कभी तेज़ हो जाती है, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, परेशानी होती है, और गले से गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है और सांस लेने में थोड़ी परेशानी होती है। दोस्तों, ऐसी प्रॉब्लम को एलियम सिपा बहुत जल्द ठीक कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ज़ुकाम सर्दी की शिकायत रहती है और आपको सुबह उठते ही छींक आने लगती है, या फिर जब आप बाहर जाते हैं डस्ट की वजह से आपको छींकें आती है और आपको छींक के साथ साथ नाक जाम हो जाती है और हल्की हल्की नाक में दर्द होता है और हल्की हल्की जलन होती है, नाक छिल जाती है और इससे आपको तकलीफ़ होती है, आपने कहीं ट्रीटमेंट कराए लेकिन जब तक दवा खाते हैं तो आराम रहता है लेकिन बाद में फिर ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। दोस्तों, ज़ुकाम सर्दी या फिर छींक जैसी एलर्जी को दूर करने के लिए एलियम सिपा बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, आपको इसको 200 पोटेंसी में रोज़ सुबह ज़बान पे 2 कतरा लेना है, फिर इसके बाद में रात में जब आप सोने जाओगे तब 2 कतरा लेना है। लेकिन अगर आपको सर्दी वाली एलर्जी है और छींकें बहुत ज़्यादा आती है तो दोस्तों आप इसे 3 टाइम लीजिए। जब आप 3 टाइम ले आपको आराम हो जाए तब आप इसे वापस से 2 टाइम लेने लगे। अगर आपको छींक की और इसके साथ ज़ुकाम की बार बार शिकायत होती है तो दोस्तों एलियम सिपा आप कंटिन्यू कम से कम इसे 1 महीना या फिर उससे कुछ ज़्यादा इस्तेमाल करिए। आप एलियम सिपा आसानी से होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या फिर आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं। मेरी वीडियो कैसी लगी आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे दुआ में